एक्चुअली उम्मीद की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर का जब अवार्ड मिला था तो वही बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन या कोई भी अगर आप बॉलीवुड में हैं और अपनी किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं और अगर उसके लिए आपको फिल्म फेयर मिलता है तो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन। तो पहला साल भी बहुत खुशनुमा रहा, दूसरा साल भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, तीसरा साल मतलब जब मुझे अवार्ड मिला उसके कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ हैट्रिक, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उस वक्त नहीं, पर्टिकुलर उस टाइम पे डर लगता है, डर इन द सेंस जब नॉमिनेशन चल रहे होते हैं ना आपके, क्योंकि एआर सर देयर, अपना प्रीतम दा थी, मतलब तमाशा एल्बम था, मैं बात करूँ तमाशा एल्बम का, गेरुआ दिल वाले एल्बम था, मुझे मेरा फेवरेट एक एल्बम है अपना ये बाजीराव, मुझे बहुत पसंद है वो एल्बम था, तो और रॉय था साथ में, तो यू नो थोड़ा बहुत डर लग रहा था। सी अभी क्या है कि मैंने भी अपने आप एक्चुअली काम करते करते आप सीखते हो और हर चीज़ों का पता चलता जाता है, तो एयरलिफ्ट में मेरा जो गाना है वो मेरा गाना जैसा नहीं है, ये एक इंडस्ट्री या आपके दोस्त या आपके फैंस एक टैग लगाते हैं आप पे कि अंकित मतलब रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है सैड सॉन्ग, तन्हाई में पड़ा हुआ है, नॉलेज सब, जबकि ऐसा है नहीं बिल्कुल, मुझे गाने मिलते गए मैं वैसे गाने बनाता गया, तो एयरलिफ्ट में वैसा गाना नहीं है, पैपी सॉन्ग है। हाँ मुझे जो क्या कहते हैं सिचुएशन बताई गई थी वो थी थोड़ा पहले का है गाना, मतलब पुराना टाइम दिखाया जा रहा है, हल्का सा विंटेज स्टाइल है उसका, अबू धाबी में, अबू धाबी का गाना है, उस क्लब का गाना है, उसके बाद कुछ 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 हो जाता है शहर में, तो उस वक्त का गाना है, तो उस वक्त कैसा अरबिक स्टाइल में भी कैसी चीज़ें हो रही होंगी, यू नो वैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हम लोगों ने, वो स्टाइल यूज़ की है, तो इट्स कॉल्ड दिल चीज़ तुझे दे दी, तो वो गाना मैंने किया हुआ है, सो काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्या मुझे मज़ा आ रहा है। दोनों चीज़ें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपके बैंक, हर एक म्यूजिशियन बैंक बनाता है अपना, म्यूजिक डायरेक्टर बैंक बनाता ही बनाता है, तो आप देखते हो कि क्या आपके बैंक का गाना कोई लग रहा है या नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ लग रहा है तो आप सुना देते हो कि सर ये गाना मुझे ऐसा लगता है, और बहुत बार रिजेक्ट होता है, बहुत बार लग जाता है, जैसे सुन रहा है ना तू मेरे बैंक का गाना था, वो बहुत लोगों को लगता है कि यार क्या नरेशन यार बड़ी अच्छी थी और एकदम फिट होता है एकदम, लेकिन वो मेरे बैंक का गाना था और वो उठ के सीधा सीधा लग गया था, बाद में नरेशन मिला था मुझे जब गाना आगे बढ़ता, तो ये चीज़ें होती हैं। गलियां मेरे बैंक का गाना नहीं था, वो मैंने बनाया था, सिचुएशन पे बनाया था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी होता है। दर्द भी दर्द एक्चुअली क्या कहते हैं, हाँ देखिए ऐसा है कि ये तो साथ में ही है, मतलब वही रात दिन का मामला है, रात है तो दिन है, क्या सुख है तो दुख है, कभी खुशी कभी गम, वो साथ में चलता है, अलग हो ही नहीं सकता, तो अगर आप हंसते हैं तो दर्द भी होता है, दर्द है तो खुश भी होते हैं, ये बहुत बैलेंस चीज़ है, मतलब इस पर मैं बोलने वाला कुछ होता नहीं हूँ, ये बैलेंस है कि आप अगर सोओगे तो आप उठोगे भी, यू नो अगर सुबह हो रही है तो शाम भी आएगी। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.